डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। क्यानी हाल में खवातीन वकला और सीनियर वकला अपना वोट कास्ट करेंगे। बात करेंगे राणा जाहिद नजीर से, जो इस वक्त क्यानी हाल में मौजूद हैं। राणा जाहिद, बताइएगा क्या प्रोसेस होगा वोट कास्ट करने का? बार एसोसिएशन के इंतखाबात के हवाले से जो चेयरमैन इलेक्शन बोर्ड की जानब से कहा गया था कि इंतजाम जो है मुकम्मल कर लिए गए हैं, इस हवाले से मैं इस वक्त क्यानी हाल में मौजूद हूं। यहां पर जो है जो सीनियर वकला हैं और खवातीन वकला हैं, यहां पर उनके वोट कास्ट होंगे। अगर हम आपको दिखा सकें तो यहां पर ये LCDs लगाई गई हैं, पाँच यहां पर जो है 6 LCDs यहां पर लगाई गई हैं, जिन पर जो है खवातीन वकला और सीनियर वकला यहां पर अपना जो है वोट कास्ट कर सकेंगे। बायोमेट्रिक तस्दीक के जरिए ये वोट कास्ट होगा। अगर मशीन आपको दिखाई जा सके, यहां पर जो है इसका थंब इंप्रेशन होगा और ये LCD जो है यहां पर अपना वो अपना जो इनका पंजाब बार काउंसिल की जानब से जो कार्ड जारी होगा वो, और इसके अलावा दीगर उनके साथ अपना ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड जो होगा उनके पास, वो यहां पर अपना वोट कास्ट कर सकेंगे। इसके अलावा बैलेट पेपर के जरिए भी अपना वोट कास्ट होगा उनका, जिनका पास जिनका अंगूठा जो है वो यहां पर स्कैन नहीं हो सकेगा या किसी जख्म की वजह से वो अपना जो है अंगूठा वो स्कैन नहीं कर पाएंगे। 21 LCDs जो है वो टोटल लगाई गई हैं यहां पर, 6 इस कैने हॉल में और बकिया जो है वो यहां वो कायदे तो हॉल में लगाई गई हैं। वहां पर जो है यंग वकला और तमाम वकला जो है वहां पर अपना वोट कास्ट करेंगे। वहां से एंट्री होगी, यहां से एग्जिट पॉइंट है, ये एग्जिट पॉइंट रखा गया है खवातीन वकला का और सीनियर वकला का। यहां से जो है वकला अपना वोट वहां से आकर यहां पर अपना वोट कास्ट करेंगे और जो है यहां से होते हुए इस गेट से जो है वो बाहर निकल जाएंगे और सामने जो है कायदे आजम हॉल है सामने, और उसके अलावा जंगला लगाया गया है, जंगले से होते हुए जो है वो अंदर दाखिल होंगे कायदे आजम हॉल में, और कायदे आजम हॉल में होते हुए वहां पर जो है LCDs जो बकिया LCDs लगाई गई हैं वो अपने LCDs लगाने के वहां पर जो है अपना वोट कास्ट करेंगे। और वोट कास्ट करने के साथ साथ वहां पर एक नुमाइंदा जो है वो चेयरमैन इलेक्शन बोर्ड का मौजूद होगा, दूसरा नुमाइंदा जो है वो पार्टियों की जानब से जो है उम्मीदवारों की जानब से जो है वो फराहम किया जाएगा, वो वहां पर जो है पोलिंग एजेंट जिसे कहा जाता है वो वहां पर मौजूद होगा, जो अपने जो वहां पर वोटर होगा उसको जो है कन्वे करेगा और जो उसके बाद जो है वोटर को यहां से कन्वे किया जाएगा। राणा जाहिद, बहुत शुक्रिया आपका।